हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज लेजर अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4, देखते हैं क्या दिया है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ संजीव। मतलब ये जो भी लेजर आप बना रहे हो वो किसके बुक में है? संजीव के बुक में। कल के सम में अगर आपने देखा था तो कल के सम में स्पेसिफाई किया था कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। आज ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। मतलब आपको जितने ट्रांजैक्शन दिए उसमें जितने भी अकाउंट्स आएंगे सब बनाने का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने कुछ 8-11 अकाउंट शायद बना दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर 10 और 11 रफ में बना के रखा। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो बनाएंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट 8 अकाउंट तो मैंने बना दिया। क्लियर है? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है कितने ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट आने वाले। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या दिया है। तो पहला ट्रांजैक्शन दिया है कैश रिसीव फ्रॉम राजू ₹10,000 फॉर कमीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है राजू के पास से पैसा मिला, कैश मिला, तो एक अकाउंट कैश हो गया। अब राजू ने किस चीज का पैसा दिया? कमीशन का। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? कमीशन का। बात समझ में आया? तो दो अकाउंट बनाने का। तो पहला अकाउंट थोड़ा सा बड़ा मैंने बनाया बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए कैश के ट्रांजैक्शन के लिए कुछ 10-12 लाइन का आप लेजर बना दो। क्लियर? उसके बाद सेकेंड अकाउंट में बना रहा हूं कमीशन अकाउंट। क्लियर है? अब कमीशन कौन सा टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और कैश कौन सा टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश कौन सा है? रियल। और कमीशन कौन सा है? नॉमिनल। अब रूल की बात करेंगे तो सिंपल है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। कमीशन का रूल क्या है? तो कमीशन तो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अगर कमीशन एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर कमीशन इनकम है तो क्रेडिट में लिखेंगे। बात समझ में आया? अब जरा ट्रांजैक्शन को एक बार देखते तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। अभी कैश आ रहा है तो डेबिट में 2। किधर से आ रहा है भाई? कमीशन के पास से, तो 2 कमीशन अकाउंट। समझ में आया क्या? कितना कमीशन का पैसा आ रहा है? 10,000 डेबिट। बात समझ में आया? तारीख पे तारीख, 1 तारीख, कौन सा महीना? जून 2019। ये समझा? मैंने पहले बताया एवरी ट्रांजेक्शन हैव 2 इफेक्ट 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। ये डेबिट तो हो गया, अब दूसरा क्रेडिट देने का। ये जो पैसा आया वो किस चीज का था? कमीशन का। तो कमीशन का पैसा आया तो कमीशन एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? इनकम हुआ ना। मुझे कमीशन का पैसा मिल रहा है मतलब मेरे लिए इनकम है। और रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय। क्या लिखोगे? कमीशन के अकाउंट में किसका नाम आएगा? कैश का। तो बाय कैश अकाउंट। समझ में आया क्या? कितना पैसा आया? 10,000। तो 10,000 क्रेडिट हो गया। तारीख पे तारीख, 1 तारीख, 1 जून 2019। क्लियर हो गया? जैसा ही क्लियर है, बढ़ते आगे देखते क्या दिया है। इंट्रास्टेट टू राकेश ₹3,000 एंड SGST एट द रेट 2.5% एंड 2.5% एप्लीकेबल से। थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। ये जो इंटरेस्ट रेट दिया तो यहां पे कंफ्यूज हो गया। दो टाइप के परचेज और सेल्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड इंटरस्टेट। इंट्रा एंड इंटर, खाली वर्ड का मिस्टेक है यहां पे। INTRA इंट्रा, और इंटर में आएगा INTER इंटर। तो इसमें फर्क क्या हो रहा है? इंट्रा का मतलब एक ही स्टेट के अंदर परचेज एंड सेल, इंट्रा मतलब एक ही स्टेट के अंदर, और इंटर मतलब एक से ज्यादा स्टेट। इंटर मतलब INTER, इंटर मतलब एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा स्टेट के अंदर आप परचेज और सेल्स करते हो तो गवर्नमेंट आपको बोलता है अरे ये इंटरनेशनल हो गया, इसलिए यहां पे वर्ड
इंटर यूज किया गया है। जब एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में आप खरीदते हो या बेचते हो तो वहां पे वर्ड क्या यूज किया जाएगा, इंटर, INTER, इंटर। समझ में आया क्या? लेकिन सिर्फ एक ही स्टेट में खरीदेगा और बेचोगे तो क्या वर्ड यूज किया जाएगा, इंट्रा। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, इंट्रा स्टेट किया है। इंट्रा स्टेट टू राकेश, मतलब राकेश को गुड्स बेचा। कितने का गुड्स बेचा, 30,000 का। और SGST और CGST कितना है, 2.5 2.5। समझ में आया? लेकिन अगर इंटर बोला रहता ना तो इंटर में SGST CGST नहीं आएगा, उसके जगह पे आएगा IGST। समझ में आया? जब एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में खरीदते बेचते हो तो IGST आएगा, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेट में आएगा तो उधर CGST SGST। समझ में आया? ये एक स्टेट और ये एक से ज्यादा स्टेट। अभी कौन सा स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, तो उसमें क्या आएगा, CGST SGST। समझ में आया क्या? कितना, 2.5 2.5, दोनों के लिए। इन शॉर्ट 5% है, 5 का आधा CGST और आधा SGST। अंडरस्टूड? मैंने गुड्स बेचा, गुड्स बेचा इसका मतलब है गुड्स जाएगा, पैसा आएगा। नहीं सर, नाम दिया है तो नाम आएगा। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट आएंगे, गुड्स जा रहा है सेल्स अकाउंट, राकेश आ रहा है राकेश अकाउंट, उसके अलावा IGST और SGST। बराबर है कि नहीं? मतलब CGST अकाउंट एंड SGST अकाउंट। कौन सा है, सेल्स है, तो सेल्स के लिए क्या बोलते हो, आउटपुट, और परचेज के लिए क्या बोलते हैं, इनपुट, जर्नल एंट्री। याद करो तो यहाँ पे कितने अकाउंट बनने वाले, राकेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट GST, मतलब CGST एंड आउटपुट SGST। बात समझ में आया? तो कितने अकाउंट बनने वाले, 4। तो पहला एक अकाउंट बना देता हूं यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, फिर उसके बाद राकेश अकाउंट। अभी इसको स्पेयर में रख रहा हूं, कभी यूज करना पड़ा तो करूंगा। उसके बाद आउटपुट CGST अकाउंट, वापस से आउटपुट SGST अकाउंट। ये समझा, 4 अकाउंट समझ में आया। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, जर्नल एंट्री सॉल्व करता हूं। कंफ्यूज हो गया सर किधर क्या क्या लिखने का, इतना सारा एंट्री है, तो जर्नल एंट्री सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जिधर अटकेंगे उधर भगवान जी याद आएंगे, कौन, जर्नल एंट्री। समझ में आया? आपने गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है मतलब गुड्स जाएगा तो सेल्स अकाउंट, बदले में पैसा आ रहा है क्या, नहीं, क्या आ रहा है, नाम, और नाम क्या है, राकेश, तो राकेश अकाउंट। बात समझा क्या? कितने का गुड्स बेचा, 3,000। बराबर है, साथ में जीएसटी भी आया। जीएसटी अब कहां आएगा, डेबिट में क्या क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो इधर आएगा 2, आउटपुट CGST, 2, आउटपुट SGST। क्यों? क्योंकि परचेज करेंगे तो खर्चा है और सेल्स करेंगे तो फायदा है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते। 3,000 का 2.5% निकालने का, 2.5%, बराबर है, तो 1% कितना आएगा बताओ सर, 2 जीरो कम, 300 और एक 1% 30, अरे बराबर है, और आधा परसेंट कितना, 15, बराबर है, 1 2 2.5, 30 + 30 60 + 15 75, तो 2.5% कितना आएगा, 75, तो आउटपुट CGST 75, आउटपुट SGST 75, तो गुड्स कितने का पड़ा, 75 + 75 150 + 3,000 3,150। एंट्री समझा क्या, पक्का समझा है, 100% समझा है। चलो अब पोस्टिंग करते, राकेश अकाउंट डेबिट कितना, 3,150 राकेश अकाउंट बनाया है, हाँ सर बनाया। अब इसके डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा, जो भी क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में क्या क्या है, 2 आउटपुट CGST अकाउंट, 2 आउटपुट SGST अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट, बराबर है,
आउटपुट सीजीएसटी 75, एसजीएसटी 75, सेल्स 3। ये समझा? तो राकेश अकाउंट डेबिट तो हो गया। अब आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में क्या लिखने का जो डेबिट में, डेबिट में कौन है? राकेश। तो यहां पे क्रेडिट में बाय राकेश अकाउंट अमाउंट कितना, यही आएगा 75। अरे समझा? वापस से आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट में क्या आएगा राकेश? तो भाई एसजीएसटी में क्रेडिट में बाय राकेश अकाउंट कितना, समझ में आया क्या? सेल्स अकाउंट क्रेडिट में क्या, फिर से राकेश सेल्स अकाउंट बनाया, हाँ सर, बाय राकेश अकाउंट कितना, 3000। अरे समझा? तो जिधर अटके उधर भगवान जी को याद करना है, कौन, जर्नल एंट्री। समझ में आया कि नहीं? इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंट्री समझ में आया, मैंने डेट लिखा नहीं है बट अभी तुमको समझ में तो आ गया। बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, रिसीव्ड फुल अमाउंट फ्रॉम राकेश, मतलब हमने राकेश को कितना गुड्स बेचा था, 3150 रुपए का। अब भी तो देखा 3150 का गुड्स बेचा था, अब उसके पास से पैसा मिला, पैसा मिला मतलब कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? राकेश ने, तो राकेश का अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में 2, कहां से भैया? राकेश के पास से, तो 2 राकेश अकाउंट, 3150। क्लियर? इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, किसने दिया? राकेश ने, तो राकेश का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट 3150। अंडरस्टूड? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, इंट्रा स्टेट परचेज। वापस से कौन सा वर्ड यूज किया है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, और स्टेट के अंदर है तो दो जीएसटी आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, बराबर है। हमने गुड परचेज किया मंगेश के पास से, कितने का? 2000 का। एसजीएसटी 2.5, सीजीएसटी 2.5। सेम चीज वापस से करना है बट इसका उल्टा होने वाला है। यहाँ पे सेल्स, अब परचेज। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज? परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ आएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 किसके पास से परचेज किया? मंगेश। समझ में आया क्या? अमाउंट कितना है जरा देखो, तो हमने गुड परचेज किया 2000, बराबर। सीजीएसटी कितना? 2.5। तो 2000 का पहले मैं कैलकुलेट करता हूं 1%, तो 1% कितना? 20, और एक 1% 20, और आधा परसेंट 10, 50 हो गया। तो यहाँ पे 50 50, तो 2100। अरे समझाइए, चलो पोस्टिंग करते। इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? परचेज अकाउंट, उसके अलावा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, बराबर है। उसके अलावा मंगेश, तो यहां पे जगह है, इधर ही मंगेश बना दे दो, ठीक है? अरे बात समझा? चलो ठीक है, अब आ जाते पोस्टिंग में। परचेज अकाउंट डेबिट में क्या लिखने का जो उसके क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट डेबिट में 2 मंगेश अकाउंट कितना? 2000। परचेज अकाउंट डेबिट 2000, बराबर है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे? 2 मंगेश अकाउंट कितना? 50। फिर से 2 मंगेश अकाउंट कितना? 50। मंगेश अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या क्या लिखने का जो उसके डेबिट में, तीन चीज है ना यहाँ पे, बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी। परचेज कितना? 2000 50 50, तो हो गया 2100 क्रेडिट। अरे बात समझा? लास्ट ट्रांजैक्शन फटाफट वाइंड अप करते, देखते क्या दिया। 20 तारीख को दिया है पेड नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश, नेसेसरी मतलब जितना जरूरत था उतना, तो मंगेश को कितना पे करने का था? 2100, मतलब इतना ही पे किया, पे किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है?
जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब क्रेडिट में, बाय कहाँ जा रहा है, मंगेश के पास, तो बाय मंगेश अकाउंट कितना 2100। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, किसको दिया मंगेश को, तो टू कैश अकाउंट कितना 2100। बात समझ में आया। अब क्या बचता है क्लोजिंग, इस सम का क्लोजिंग आपके लिए छोड़ रहा हूं, होपफुली तुम लोग इसका क्लोजिंग अच्छे से करोगे और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेगा। जस्ट अब आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।